अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम स्पेशल टॉक से गड मां आवा जो मेज़बान इशफाक अहमद। नाज़रीन, पाकिस्तान की सियासत इंतहाई दिलचस्प मदार में दाखिल थी वही है। जिन का मुखालिफ दुर पारा वजीर आजम इमरान खान खिलाफ तहरीक अदम एतमाद वारी रिथ पेश कई वही है। उनका पोए मुख्तलिफ सियासी लीडर जके हन मुख्तलिफ नंढन पार्टियों से मुलाकातों जो सिलसिलो तेज कर छोड़ो है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ जिनके पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी मौलाना फजलुर रहमान शहबाज शरीफ कुछ ढी पे तई मिन्नतू कर रहा हुआ तो तहरीक अदम एतमाद में उन्होंने साथ दियन, पर उन वक्त फैसलो न कर। सियासत सजी गेम ही टाइमिंग की होंगी है। जैसे अवा वक्त फैसलो सही कर वरतो तो अवं के घो कुछ हासिल है, पर वह सागी काफ लीग जो कुछ ढी अग तमाम मुखालिफ दौर की पार्टियों के न कर वेठी ही, नो जो सिग्नल दी वेठी ही। वह इन वक्त चौधरी शुजात कद फजलुर रहमान त कद आसिफ अली जरदारी से मुलाकात कर मुखालिफ दौर की जी तहरीक अदम एतमाद है उनते गालू क्यों पी वन कुछ डो कुछ वो वाली गालू क्यों पी वन। आसिफ अली जरदारी से एम के एम वफद भी मुलाकात कई है, जैसे त फजलुर रहमान भी एम के एम से गडोग बी एन पी से पिण मुलाकात कई है। मुलाकातों जो सिलसिलो है वो पूरे मुल्क में जारी है, पर जो मरकज है वो पंजाब बनल है। मुखालिफ दुर की जो रिथ है वह इस्लामाबाद में पेश कई वही है, पर मुलाकातों जो सिलसिलो पंजाब में वधिक तेज थी वो है। पूरे मुल्क में इन वक्त सियासत कड़ो रुख इख्तियार करण वाली है। मुखालिफ दुर की तहरीक जो है वह कामयाब थी या नाकाम थी। कामयाब थी तो उनका असर हों पाकिस्तान की सियासत से, जर नाकाम थी तो उजा कड़ा असर छींदी पाकिस्तान की सियासत से। इलेक्शन रिफॉर्म्स थींदा तहरीक आदम एतमाद कामयाब थी तो कड़े किस्म जहाँ इलेक्शन रिफॉर्म थी सकन था। जर नाकाम थी तो इलेक्शन रिफॉर्म्स उनकी सूरत हाल होंगी। ईंदड़ इलेक्शन 2023 में थो या 2022 के आखिर तई मुखालिफ दुर जो है इन वक्त की मुखालिफ दुर वह इलेक्शन कराए नई हुकूमत के नई जी पार्टी होंगी नई जी जमात होंगी उन हवाले हुकूमत कई वी सजी सूरत हाल से गाल असेंगे जॉइन किया है इस्लामाबाद में सिन टीवी न्यूज़ के ब्यूरो चीफ गोहर गांगरो तजिया निगार रजाक खट्री साहब भी असा गुड मौजूद हैं। मैं शुरुआत कदम गोहर गांगरो अवा खान गोहर बुधाए जो इस्लामाबाद में मुखालिफ दुर पारा तहरीक अदम एतमाद जो है बेतमादी वारी रिथ पेश कई वही है। माहौल इन वक्त इस्लामाबाद में छो तो इस्लामाबाद में अफवाहूँ जी अक्सर गर्दिश कहन थी तो इन वक्त इस्लामाबाद में कड़ा चौबोल पे हलन तहरीक अदम एतमाद कामयाब थी या न थी। जी जैतोणीक अपोजिशन पारा काफ़ी अरसे जे मुशावरत बाद जेका अदम एतमाद है वह कौमी असेंबली में जमा कराए छी है। हाँ जाहिर है तो अपोजिशन जडे यो महसूस कंदी है तो बटस हाँ हुकूमत का वधिक मेंबर आहिन कामयाब थी सकन था। उन नो कॉन्फिडेंस वारी जो मूव कई वेंदी है अपोजिशन कॉन्फिडेंट है तो नो कॉन्फिडेंस के हवाले से वो कामयाब वा तिठो हों तो लाहौर जो सरगर्मियों मुलाकातों नो कॉन्फिडेंस जैसे जमा कराया वो है पो वे तो वक्त कौमी असेंबली में 10 वोटन की जरूरत हुई, पर पे वे तो वक्त उनके 10 जे वो मेंबर तो 20 मेंबर अची आया 10 बजाय तो अपोजिशन जो होमवर्क किया जी मुलाकातू थ जरदारी साहब लाहौर में आयो शहबाज शरीफ साहब मुलाकातू क्यों हुकूमत इतादन से मुलाकातू उन उनमें इन वक्त अपोजिशन कॉन्फिडेंट है तो नो कॉन्फिडेंस कामयाब वो, पर गाल आए जैसे हुकूमत की तो हुकूमत भी कोशिश करे पी इमरान खान साहब एम क्यू मारन वो मुस्लिम लीग काफ से मुलाकातू क्यों जैसे जहांगीर तरीन साहब से भी जन उ रबता जारी है इमरान खान जहा हाँ हुकूमत भी कोशिश करे पी तो नो कॉन्फिडेंस के नाकाम किया वे, पर जितनी का अपोजिशन की जो ये मूव है वह इनता ही संजीदा मूव है। जरदारी साहब तो खबर आ पुरानो खिलाड़ी है को भी कच्चो पत्तो न खेल है जैसे उन्होंने नंबर गेम जो कन्फर्म थी वो उन बाजाबा तौर से उन नो कॉन्फिडेंस के हवाले से मूव कई है तो यकीन इन वक्त जो अपोजिशन है वह कॉन्फिडेंट है तो नो कॉन्फिडेंस कामयाब उनको वो हुकूमत इन वक्त परेशान जरूर है। पर जरियन जो यो चवण है
इमरान खान साहब कोशिश करे पो न सिर्फ इतिहादिन से मुलाकातू पो करे पर जेके वसवार आइन उनन ताई हु अप्रोच करे रहयो आए त वसवारन के यो बावर कराए सजे या उनन जो एक ज़हन ठाए सजे त इमरान खान के जेकर हटायो वयो त पोए ही जका मुल्की सूरत आए न सिर्फ हुआ पर बेनलोकामी तौर ते पाकिस्तान जा जेके तालकात आइन या इंटरनेशनल रिलेशंस पाकिस्तान जा जेके एकड़ी नई सिमत में वजन प्यार नवा ब्लॉक्स आइन खास तौर से रशिया के दौरे का सिचुएशन क्रिएट थी खान साहब यो बावर कराने की कोशिश करे पे वसवारन के उनके दौरे बाद जेका वेस्ट नाराज है अमेरिका नाराज है खेस हटायो वो तो इन जो असर आन बिनलौकामी तौर से ये ढा खराब पवंदा छो तो वेस्ट है त नाराज आए ही आए पर जो ब्लॉक राजी है रूस है चाइना है या उनके साथारी मुल्क आन उहे बि जेकॾहिं नाराज़ थी विया खेस हटायो वियो त हू समझंदा त शायदि इन दौरे खां पोइ जेका वेस्ट एक्टिव थी आहे उनजे नतीजे में खान साहब खे घर भेड़ो कयो पियो वञे हाणे इहा डिस्कशन बि अची वई आहे कुझु फोरम ते या जेके फैसला साज़ी जे हवाले सां जिते वेहकूं थींदियूं आहिनि पुरमगज़ निशस्तूं थींदियूं आहिनि उन निशस्तुनि में इहो बहस बि अचे पियो त जेकॾहिं खान साहब खे हटायोसीं त पोइ इंटरनेशनली कहिड़ा इम्प्लीकेशंस अची सघनि था पर ठीकु आहे गौर गौर असां सां गॾु मौजूदु रहिजो त असां सां रज़ा खट्री साहब बि गॾु मौजूदु आहिनि रज़ा खे इहो ॿुधाइजो त तहरीक अदम एतमाद जेका आहे उहा टेबल थी चुकी आहे अपोज़िशन हुनखे फाइल करे वरितो आहे अवां छा था सम्झो त कंहिंजी बॉडी लैंग्वेज अव्हांखे ॿुधाए पई या कंहिंजी जेका टॉक आहे मीडिया टॉक उन मां अंदाज़ो लॻाए सघूं था असां त केरु वधीक कामयाबु थियण वारो आहे छो त असां कल्ह इमरान खान जी तकरीर ॿुधीसीं त उन में इमरान खान ईअं पियो लॻे त बौखलाहट जो शिकार हुजे ऐं माना जेके लफ़्ज़ आहिनि उन इस्तेमाल कया अपोज़िशन जे लाइ उन्हनि मां बि लॻे पियो त कुझु माना गड़बड़ आहे अवां छा था सम्झो सॼी अपोज़िशन जी हुकूमत खे नज़र में रखंदे त कंहिंजी बॉडी लैंग्वेज अव्हांखे बहितर थी लॻे इशफाक वरी महिरबानी तव्हांजी असल में हिन वक़्तु जेका नंबर गेम आहे उहा आहे अपोज़िशन वटि जेको आहे सो 162 वोट आहिनि ऐं अली वज़ीर जेको जो 62 वोट आहे उहो जेल में आहे सवाल इहो आहे त छा हिन सॼी सूरताल में जॾहिं इजलास समन थींदो त उनखे घुरायो वेंदो या न या स्पीकर इहो मौक़ो फराहम कंदो या न जेकॾहिं इन हिकिड़े वोट खे पाण कढी था छॾियूं त इहो नंबर 161 थिए थो यानी 161 इन हिसाब सां 179 आहिनि हुकूमत हुजे इतादिन जा वोट पर अॼु इस्लामाबाद में जेको सॼो ॾींहुं गुज़रियो आहे इंतिही ज़बरदस्त क़िस्म जो पाणी चई सघूं था त एतिरियूं सियासी सरगर्मियूं रहियूं आहिनि जो असां ॾिठो त हिकु ई बीट कवर कंदड़ जेके रिपोर्टर आहिनि कॾहिं उन्हनि खे सिंध हाउस जोड़णो पियो आहे कॾहिं ज़रदारी हाउस ऐं केॾी महिल जेको आहे सो मसावात बिल्डिंग मुसलसल मुलाक़ातूं प्रेस कॉन्फ्रेंसिस आहिनि ज़ाहिर आहे त बिलावल भुट्टो ज़रदारी अॼु जेका प्रेस कॉन्फ्रेंस कई आहे उन में कुझु शयूं क़ाबिल गौर आहिनि ऐं उनखे उन्हनि ते सोचणु घुरिजे त तव्हांखे ॿ टे शयूं वाज़े तौर ते साम्हूं नज़र ईंदियूं जिन में बिलावल भुट्टो ज़रदारी जी प्रेस कॉन्फ्रेंस ऐं उनखां पोइ फवाद चौधरी जी जेका प्रेस कॉन्फ्रेंस बि हुआ हाणे उन में जेकॾहिं पाण कड़ियूं मिलायूं त कल्ह वज़ीर आज़म इमरान ख़ान बाज़राबाद आयो आहे हिते कराची ऐं हुते बि उनजो जेको अॻवान आहे आमिर ख़ान जी कल्ह प्रेस कॉन्फ्रेंस ॾिठी पए त उन में उनजो चवणु इहो हो त वज़ीर आज़म असां वटि आयो पर हुन अदम एतमाद जी तहरीक में हिमायत जे लाइ असांखे का बि दरख़्वास्त कोन कई ऐं असां हुन सां का जो पासो असां हुनखे ख़ातिरी बि न कराई पर आसिफ अली ज़रदारी जंहिंजे लाइ MQM रुगो हिकु हफ़्ते ताईं अॻु में वॾेरो जागीरदार लिसानियत ऐं अलाए छा छा कहिड़ा कहिड़ा लक़ब ॾींदा रहिया आहिनि ऐं उन हुकूमत सिंध जी हुकूमत खे इहो इल्ज़ाम ॾींदा रहिया आहिनि त सिंध खे पाकिस्तान खां टोड़णु चाहिनि था हाणे उहा साॻी MQM अॼु जेको आहे सो आसिफ अली ज़रदारी वटि पहुती आहे सो इहा सोचण जी ॻाल्हि आहे चौधरी शुजात हुसैन जेको आहे उहो गुज़िरियल घणे अरसे खां तबियत जी शदीद नासाज़ी जे बावजूदु हाणे कुझु हुनजी तबियत बहितर थी आहे उन मुलाक़ात कई
आसिफ अली जरदारी से अज एम क्यू एम मुलाकात कई, एम क्यू एम क्यू लीग से मुलाकात कई है, उन गोगन मौलाना फजल रहमान से मुलाकात कई। हाँ अज जी बिलावल की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उनमें उन ढी अहम गाल कई हुई उ तुन जो चवण यो हो आसफा भुट्टो ते जो ड्रोन कैमरा लगो हुयो उन जो बकोल बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के इन के पोया साजिश हुई आईएसआई बी एजेंसियों उनकी तहकीकत कन। हालांकि ये साग्यूं पीपुल्स पार्टी तो न पर उनकी जगह इन वक्त इतिहादी है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून या बी जमातू खुद आईएसआई ते आंगर खणदी रही पॉलिटिकल मैनेवरिंग के हवाले से। हाँ जैसे बिलावल भुट्टो जरदारी के पारा इन किस्म जो मुतालबो अचे तो सोचण घुर्जे। पर इन प्रेस कॉन्फ्रेंस का फवाद चौधरी साहब जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कई है उनमें मरियम नवाज की जलसन में जो तकरीर थियन या जो नारा लगाएन उ नारा बुधराया या पाकिस्तान की फौज के हवाले से शूं थ सो इनमें हुकूमत जो है सो कोशिश यह पी करे तो जो अंपायर है जैसे ला अपोजिशन की या दावेदारी है तो न्यूट्रल थो है ही उनके बुधायण चाहन था तो हि उ दुरियन जिन माजी में अवज ये पे अस अज भी तक गड बीठा इन करी पोजिशन तब्दील कर सो ही सजी गेम रदा खटरी साहब आवा यो त चवण चाहियो त फवाद चौधरी एस्टेब्लिशमेंट के यो बुधाण जी कोशिश कई आ तवा न्यूट्रल न रहो के हिकड़ी पार्टी जो साथ दियो छो त हिन पार्टी जो त किरदार यो आ जको छा चंदन फवाद चौधरी पांजी प्रेस कॉन्फ्रेंस में देखारियो आ न वो तानी गाल ठीक है। असल में हु रियलाइज करण चाहिन ता एहसास दियारण चाहिन ता त साडा 3 साल जको कुछ पाकिस्तान में थियो आ वो सजो जो पासो अस कंदा रहया आयूं ये जे दुरियं ये बुनियादी तौर पर पाकिस्तान दुश्मन है। सो असल में ही आसाबी जंग है क्राइसिस तमाम वो है तहरीके जो अदम एतमाद वो 89 में जैसे इस्टेब्लिशमेंट तदों को सदर जो ये सब बीबी के खिलाफ हुआ उनके बावजूद हुआ तहरीक अदम एतमाद नाकाम की हुई। जाहिर है हिंसर उ हालतूँ उन दौर जड़ी ना सो को भी जो है सो नतीजो अची सके तो तेरे पान इन पोजिशन में इन वक्त ना आयो तो नतीजो निकर हाँ उनमें तड़ी बी गाल जहन में रखो अज हुकूमत एकड़ी नई जो है सो गाल सामू आंदी है तो जैसे नो कॉन्फिडेंस मोशन मूव थो वोटिंग थी तो उन वक्त हुकूमत पैंजा मेंबर जो ऐवान के अंदर न मोकलींदी। इन सिलसिले में इमरान खान एक लेटर लिखो स्पीकर कौमी असेंबली के उनमें पैंजे मेंबर की लिस्ट दी तो हे मेंबर जो ये पार्टी जे जो ख्वाहिशो फैसले खिलाफ वोट नथा करे सकन ते जे करे जे के वे कन त उनजो वोट काउंट न कयो वने। हालांकि आईन में इन हवाले से का गुंजाइश को पर इन बुनियादी तौर पर यो नव जुगाड़ गोलो है जी स्पीकर के मार्फत का अड़ी रूलिंग हासिल करे वन पर मुझे ख्याल है या रूलिंग भी आइनी तौर से कानूनी तौर से जो है सो उ हकीकत से बदल न होंगी जे करे इन किस्म की सूरत हाल स्पीकर पैदा करे तो हुए तो पो ही क्राइसिस अन्या घणो वधी वेंदो ऐं पो क्राइसिस अन्या घणो वधी वेंदो जी ही गोहर यो ॿुधाइजो त इस्लामाबाद में तहरीक अदम एतमाद पेश कई वही है कौमी असेंबली में पेश थी मुलाकातों जो सिलसिलो जो पंजाब में तमाम घणो तेज थी अज इमरान खान जो वह भी लाहौर के दौरे पर पौतल है बे पास जहांगीर तरीन ग्रुप आ काफ लीग से मुलाकात तो करे कदें तो असा के बुजार के हटाने में मदद कर समझो तो ये मुलाकातों के हलन प्यूँ ये बुजदार के लिए केतरी खतरनाक थी सन थी इमरान खान के लिए खतरनाक थन्द ही बुजदार के लिए खतरनाक केतर थी सन थी जी बिल्कुल पैरेलली जो यह सारी मूव है न सिर्फ इमरान खान पर पंजाब से भी जोर है छो तो मुस्लिम लीग नवाज उत मौजूद है जहांगीर तरीन मौजूद है उन्होंने तमाम घणो जोर है तो इमरान खान खिलाफ तो नो कॉन्फिडेंस अचण ही खपे पर उन्होंने जो कावड़ जो टेम्परेचर है वो वफाक जेतरो ही पंजाब में है चाहन था तो उस्मान बुज़दार साहब भी हटाए तबर आस्मान बुज़दार जो सी एम हुए हवाले से तमाम घनी इमरान खान स्ट्रगल कई विच में काफ़ी अड़ा मौका आया जो पार्टी जे काफ़ी एम पी एज मिनिस्टर शिकायत क्यों काफ़ी ब्यूरोक्रेसी या कुछ मान शिकायत कई तो बुज़दार साहब डिलीवर सही न पो करें
तहरीक इंसाफ जहाँ जो मानू आन उनके अकोमोडेट न पे करे शिकायत तमाम घनी हुई बुज़दार साहब लाए पर वजीर आजम जो छो तो फेवरेट आए वसीम अक्रम टू आए सो वजीर आजम साहब अड़ो लकब दियण बाद उनके डिफेंड करे पे वजीर आजम साहब बुज़दार के बचाने के हवाले से ओतरो ही हाँ भी सीरियस आए जितरो पहरिया सीरियस हो पर बुज़दार जो प्रेशर वधीक इनजे करे आए तो उते जहांगीर तरीन ग्रुप आए उनजी भी बुज़दार साहब से कोन थी लगे नवाज शरीफ नवाजली केडी वडी पार्टी वेठी आए तो हाँ तमाम घणो जोर आए काफ़ी अपोजिशन के पार्टियों जो यो ख्याल है तो वजीर आजम जो नो कॉन्फिडेंस का पहरियां बुज़दार साहब जो नो कॉन्फिडेंस अचान खपे इवा पहरी कामयाबी हुंदी उन कामयाबी खां पोए वफाक में पंजाब में नो कॉन्फिडेंस कामयाबी खां पोए अपोजिशन वधीक एतमाद सा वजीर आजम जो नो कॉन्फिडेंस जडे आणी आणी आ तो शायद हु उनन के वधीक रिजल्ट मिलन आ या जेके मानू इन वक्त बुढ़तर जो शिकार आन तो वे वफाक में शायद आसानी ना अची सकना पर हाँ मुशावरत हले थी पंजाब में भी नो कॉन्फिडेंस के हवाले से जितोणीक अपोजिशन को हथ कोन कयो आहे अपोजिशन कायम आहे इम्कान इहो आहे त कुछ ॾींहनि में पंजाब के हवाले से भी नो कॉन्फिडेंस अचे पर जरियन जो यो चवण आहे त वजीर आजम साहब के काफ़ी माण्हुनि इहो पिण चयो त जेकॾहिं पंजाब हुकूमत बचाइणी आहे त कंहिं तरीक़े सां बुज़दार साहब खे हटायो या जेके नाराज़ माण्हू आहिनि उन्हनि खे हिसो ॾिनो वञे जहांगीर तरीन आहे या मुस्लिम लीग काफ़ आहे या इवन खुदि एम पी ए जेके पी टी आई जा आहिनि जिन खे वज़ारतूं बुज़दार साहब कोन ॾिनियूं या कंहिं हवाले सां अकोमोडेट न थी सघिया त वज़ीर आज़म ऐं वज़ारतूं पंजाब में तब्दील कयूं वञनि इहा सलाह बि वज़ीर आज़म साहब खे ॾिनी वई पार्टी जे तरफ़ां पर वज़ीर आज़म साहब बिना इनकार करे छॾियो त हू बुज़दार मां हिन वक़्तु बि हथ न खणंदो ऐं हू पंहिंजे जेको पहिरियों फ़ैसिलो हो त बुज़दार जे हवाले सां को बि कंप्रोमाइज़ न आहे करिणो सो ज़रियनि जो इहो चवणु आहे वज़ीर आज़म साहब हिन वक़्तु ताईं बि अटल आहे पोइ हाणे नज़र ईअं पियो अचे त पंजाब में बुज़दार साहब जे ख़िलाफ़ु जेको मामिलो आहे हिन वक़्तु जेका डेवलपमेंट आहे जेका सिचुएशन आहे उन मूजिबि बुज़दार साहब बि तमामु घणो खतरे में आहे न सिर्फ़ वज़ीर आज़म पर बुज़दार साहब बि हिन वक़्तु ठीकु आहे बुज़दार बि ख़तरे में आहे अब्दुल रज़ाक खट्टी साहिबु इहो ॿुधाइजो त अॼु वफ़ाक़ी घरु वज़ीर शेख रशीद जेका मीडिया सां ॻाल्हाईंदे चयो आहे त 23 खां 30 मार्च जो जेको हफ़्तो आहे उहो इंतिहाई अहम आहे अव्हां छा था सम्झो त हीउ वफ़ाक़ी घरु वज़ीर जो इशारो तहरीक़ अदम एतमाद जे हवाले सां आहे या के ॿी बि जेके इशारा अहिड़ा आहिनि जंहिंजे करे ख़तरनाक थी सघे थो अशफाक ॿ टे शयूं काफ़ी अहम आहिनि हिकिड़ी त इहा आहे त अॼु फवाद चौधरी जेका प्रेस कॉन्फ्रेंस कई आहे उनमें हुनजो चवणु हो त 22 मार्च ते जेका ओ आई सी जी कॉन्फ्रेंस इस्लामाबाद में थी रही आहे हुकूमत इहो फ़ैसिलो कयो आहे त उनखां अॻु में अदम एतमाद वारो जेको बकोलो हुनजो ड्रामो आहे उहो असां ख़तमु करणु चाहियूं था यानी उन इहो इशारो ॾिनो आहे त 22 मार्च खां अॻु में नो कॉन्फ्रेंस मूव खे जेको आहे सो उहो हिकिड़े पासे करणु चाहिनि था यानी इजलास घुराए हुन ते को बि जेको फ़ैसिलो अचे उहो करणु चाहिनि था शेख रशीद मुंहिंजो ख़्यालु आहे त इन तरफ़ इशारो कोन ॾींदो छाकाणि त जेका आइनी तौर ते रेक्यूज़ेशन आहे उन जे हिसाब सां 22 मार्च ते इजलास हर सूरत में तलब करिणो आहे 22 मार्च 14 ॾींहं हूंदो छाकाणि त 8 मार्च ते रेक्यूज़ेशन जमा थी आहे उन सां गॾोगॾु रेज़ोल्यूशन बि आहे नो कॉन्फिडेंस जो सो उनमें टेक्निकली तौर ते त स्पीकर वटि इहो अख़्तियार आहे त 22 मार्च ते इजलास समन करे यानी पोइ उहो 25 ते बि घुराए सघे थो या 26 ते जॾहिं बि घुराए उनखां पोइ इहो सिलसिलो हलंदो पर शेख रशीद जेका ॻाल्हि करे थो उनजे मां हिकिड़ी थोरी घणी सिमेल मूंखे इहा अचे थी त इमरान ख़ान जेकॾहिं ॾिठो त सूरत हाल उनजे हक़ में न आहे जेका बज़ाहिर हेसि ताईं नाहे लॻे बि ईअं थो त उन में हू चाहींदो त इहो जेको सॼो सेटअप आहे उहो वेड़िजी वञे मूंखे बि न मिले ऐं अपोज़िशन जी जमायतनि खे बि न मिले ऐं टी धुर अची वेही रहे इन क़िस्म जी हू जेको आहे सो हू सूरत हाल पैदा करणु चाहे थो उनजी हिकिड़ो मां नंढिड़ो मिसाल तव्हांखे ॾियां थो त हाणे जंहिं महिल आउं तव्हां सां मुखातिबु आहियां हाणे उन महिल पार्लियामेंट लॉजिस जे अंदरि जेको आहे सो पुलिस दाख़िल थी चुकी आहे सेनेटर कामरान मुर्तज़ा ते तशदुद थियो आहे ऐं हिकिड़ो MNA गिरफ़्तार बि थियो आहे JUI जो सबबु इहो आहे त उन्हनि जा जेके JUI जा जेके रज़ाकार हुया उहे पार्लियामेंट लॉजिस जे अंदरि सिक्योरिटी जे नाले ते दाख़िल थी विया हालांकि हाणे उनखे जेकॾहिं हुकूमत ओॾी महिल पुलिस हैंडल करे आहे त हीअ जेका सॼी सूरत हाल पैदा थी आहे
ऐं जेके माण्हू ज़ख़्मी थिया आहिनि, यानी हीउ हिकिड़ो वरी नओं तशदुद दाख़िल थी वियो आहे हिन नई मरहले ते, अॼु जॾहिं ॾींहुं पूरो थियण वारो आहे, बाक़ी ॿ चारि कलाक आहिनि। सो हाणे तव्हांखे आउं हिकिड़ी ॿी बि ॻाल्हि यादि ॾियारींदो हलां त जॾहिं आख़िरी ॾींहुं हूंदा आहिनि हुकूमतनि जा, त उन में सॼो ॾींहुं हिक खां पोइ ॿी वॾी ख़बर ईंदी वेंदी आहे, जेका गुज़िरियल ख़बर हूंदी आहे उहा यादि बि न रहंदी आहे। सो हिन वक़्तु सूरत हाल काफ़ी जेको आहे सो क्राइसिस तरफ़ वधी रही आहे, उन में इमरान ख़ान जो जेको कमज़ोर हुजण आहे उन मां अंदाज़ो लॻाए सघिजे थो। शेख रशीद जंहिं इस्लामाबाद जे अंदरि जॾहिं खां वज़ीर दाख़िला थियो आहे, मुख़्तलिफ़ चेक पोस्टिस हुयूं या जेके मामला आया उनखे जंहिं बि तरीक़े सां उन डील कयो, पर उहे सभु ख़तमु थी वियूं। पर पार्लिमेंट लाजिस जे अंदरि अंसारुल इस्लाम जा जेके रज़ाकार हुआ उहो ॿ चारि दर्जन हुआ, उहे दाख़िल थी विया, पुलिस कुझु कोन कयो, ऐं हाणे उनखे तशदुद ज़रिए जेको आहे सो इहो ख़ाली कराइणो थो पवे। त इन मां अंदाज़ो लॻाए सघिजे थो त सूरत हाल ठीकु न आहे, क्राइसिस ज़रूरु आहे। जी जी, हिन मां अंदाज़ो लॻाए सघिजे थो त सूरत हाल ठीकु न आहे। लॉ एंड ऑर्डर जी सिचुएशन ॾिसी वञे या जेको तहरीक अदम इतमाद पेश कई वई आहे उन हवाले सां बि हुकूमत जा जेके हालात आहिनि उहे असांखे ख़राबु थींदे नज़र अचनि पिया। गौर गांगरो, अब्दुर्रज़ाक खट्री, मां ॿिन्ही जी वॾी महिरबानी पंहिंजे वक़्तनि जे लाइ। नाज़रीन, इस्लामाबाद मां असां सां गॾु मौजूदु हुया ब्यूरो चीफ सिन टी वी न्यूज़ गौर गांगरो ऐं सीनियर एनलिस्ट अब्दुर्रज़ाक खट्री साहबु असां सां गॾु मौजूदु हुया, जेके पाकिस्तान जी मौजूदा सियासी सूरत हाल ते पंहिंजो तज़ियो ॾेई रहियो आहे। हिते वक़्तु आहे ब्रेक जो, मिलूं था ब्रेक खां पोइ। प्रोग्राम में एक दफ़ो ॿीहर भलीकार। प्रोग्राम जे हिन हिसे में पाण ज़िक्र कंदासीं त तहरीके अदम इतमाद जे हवाले सां पाकिस्तान जो कानून, पाकिस्तान जो जेको आइन आहे उहो छा थो चए। फवाद चौधरी अॼु पंहिंजी प्रेस कॉन्फ्रेंस में हिकिड़ी ॻाल्हि कई त आर्टिकल 63 जो इस्तेमालु कयो वेंदो, जंहिंखां पोइ जेके मेंबर PTI जा उन पासे वञी तहरीके अदम इतमाद जी हिमायत में वोट ॾींदा उन्हनि खे डिस्क्वालीफाई कयो वेंदो। असां सां गॾु महिमान मौजूदु आहिनि बैरिस्टर ज़मीर घुमरो साहबु, जेके पाण एडवोकेट आहिनि, बैरिस्टर आहिनि। एडवोकेट साहब, वॾी महिरबानी वक़्तु ॾियण जे लाइ। सभ खां पहिरियां इहो ॿुधाइजो त फवाद चौधरी वारी ॻाल्हि केतिरी सही आहे त जेके मेंबर तहरीक अदम एतमाद जी हिमायत में वोट ॾींदा उन्हनि खे डिस्क्वालीफाई कयो वेंदो, छा इहो मुमकिन आहे? बिल्कुल, आर्टिकल 63A में इहो लिखियलु आहे त जेको मेंबर जेको आहे सो मेंबर खे टे वोट जेको आहे पार्टी खे ॾियणा आहिनि, जेको त वोट ऑफ कॉन्फिडेंस एंड नो कॉन्फिडेंस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द चीफ मिनिस्टर, ॿियो बजेट ते, ऐं टियों कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। सूबे सूबे में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट न थींदी आहे, पर उनजो तरीक़ेकार इहो आहे त मेंबर जॾहिं वोट ॾींदो त उनखां पोइ एक्शन थींदो। ईअं त पहिरियों जेको आहे एक्शन थींदो, मेंबर जॾहिं वोट ॾींदो त उनखे जेको आहे पार्टी जो हेड जेको आहे उहो शोकाल नोटिस ॾींदो, ऐं शोकाल नोटिस खां पोइ स्पीकर ॾे रेफरेंस मोकिलियो वेंदो, ऐं उनखां पोइ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान 30 ॾींहनि में फ़ैसिलो कंदी। दिस इज़ द प्रोसीजर, इहो प्रोसीजर आहे। ईअं करे जेको आहे वोट ॾियण खां अॻु में जेको आहे मेंबर डिस्क्वालीफाई थी सघे थो, इहो न थी सघे जेसि ताईं तहरीके अदम एतमाद जेका आहे बेतमादी वारी रिथ उहा कामयाब थी वञे, वज़ीर आज़म जेको आहे उहो इमरान ख़ान वज़ीर आज़म नथो रहे, उन खां पोइ उन्हनि ख़िलाफ़ कारवाई थींदी। बिल्कुल बिल्कुल, पंहिंजी पार्टी जे ख़िलाफ़ वोट ॾियनि था त उनखां पोइ जेको आहे उनखे ॾिनो वेंदो, पहिरियों त उनखे ॾेई नथो सघे। ऐं उन इमरान ख़ान जॾहिं जेको आहे प्राइम मिनिस्टर न हूंदो उनखां पोइ ज़ाहिर ॾींदा, छो त अदम इतमाद खां पोइ त जेको आहे हिकिड़ो थी थो वापसि हू प्राइम मिनिस्टर न रहंदो। उनजे करे जेको आहे सो इहो आईन में इहो वाज़ लिखियलु आहे त जेको बि मेंबर डिफेक्ट कंदो उनखे जेको आहे पार्टी हे डिफेक्ट थियण खां पोइ जॾहिं माना साबित थिए त जेको आहे वोट ॾिनो आहे उनखां पोइ उनखे छुका ॾींदा। अच्छा बैरिस्टर साहब, इहो ॿुधाइजो त अॼु जी अख़बार में हिकिड़ी ख़बर छपी आहे त रिथ ते वोटिंग वारे ॾींहुं हुकूमती मेंबर ऐवान में न वेंदा, जेकॾहिं हुकूमती मेंबर ऐवान में न वञनि त इन हवाले सां पोइ कानून छा थो चए, पाकिस्तान जे आईन में छा आहे तहरीके अदम इतमाद जे हवाले सां? ॾिसो, हुकूमती मेंबरनि खे रोके नथो सघिजे ऐवान में वञण खां सवाइ, इहा त माना रेस्ट्रेंट हूंदी, क्रिमिनल ऑफेंस आहे, दिस इज़ क्रिमिनल ऑफेंस टू प्रिवेंट एनी मेंबर from attending the session of the next assembly.
उनजे करे जेको आहे सो मेंबर्स खे जेकॾहिं ज़ोरी ज़बरदस्ती पार्लियामेंट नथो अचणु ॾिनो वञे त इहो त क्रिमिनल ऑफेंस आहे। मेंबर्स खे जेको आहे रोकियो थो वञे त उहे पंहिंजे हाउस में न वञनि, बाक़ी जेको आहे उते हुननि जी मर्ज़ी आहे उहो ब्रैकेट कनि, पर जेकॾहिं पंहिंजी मर्ज़ी सां नथा वञे को नथो वञे पंहिंजी मर्ज़ी सां मिस्टर असेंबली त उहा हुनजी मर्ज़ी आहे। बरिस साहब असां सपोज करे था वठूं त पाकिस्तान तहरीके इंसाफ़ वटि टोटल नंबर 178 आहिनि इतिहादिन खे मिलाए करे, जेकॾहिं 150 MNA नथा वञनि, इहे जेके मथियां 18 या 20 जेके बि आहिनि ऐं 28 जेके आहिनि इहे वञण था चाहिनि ऐं ॿिया मेंबर नथा अचनि, त पोइ तहरीके अदम एतमाद जी क़ानूनी हैसियत छा हूंदी ऐं छा उन ते पोइ वोटिंग कराई वेंदी? वोटिंग कराई वेंदी नो कॉन्फिडेंस में ऐं उन में अपोजिशन खे 172 मेंबर्स जेको आहे सो पेश कंदा आहिनि। 172 मेंबर्स जेकॾहिं एवान में मौजूदु आहिनि उहो प्राइम मिनिस्टर जेका वोट ॾियनि था त प्राइम मिनिस्टर खे सीज़ थो वापसि त उन वक़्तु प्राइम मिनिस्टर जेको आहे जो पंहिंजे उहिदे सां दस्तबरदार थी वेंदो। अच्छा ज़मीर साहब इहो ॿुधाइजो त स्पीकर क़ौमी असेंबली वटि कहिड़ा इख़्तियार आहिनि ऐं एतमाद जे बेतमादी वारी रिथ जे हवाले सां छा उहो चाहे त इजलास खे डिले बि करे सघे थो को कानूनी पहलू या को कानूनी जेको आहे? नथो डिले करे सघे छो त ॾिसो न नो कॉन्फिडेंस जो मतिलबु इहो हूंदो आहे त तुर्त आंदी वञे त जीअं मुल्क में जेको आहे वायर पैदा न थिए, को खाल पैदा न थिए ऐं उनखे जल्दी में वोट करायो वञे, उनजो पर्पज़ इहो आहे। ऐं जेकॾहिं उनखे डिले करे थो वञे ॼाणी वाणी त माना इहो मुल्क में जेका आहे पोलिटिकल अनसर्टेनिटी यकी रहंदी ऐं पोलिटिकल अनसर्टेनिटी जे करे जेको आहे तव्हांखे ख़बर आहे कहिड़ी मार्च पूरो थिया ऐं ॿियनि ते जेको आहे असर पवंदो, इन जे करे हुन रिथ जो मक़सदु इहो आहे त उनखे थोरी तौर ते वोटिंग करायो। अच्छा ज़मीर घुमरो साहब इहो ॿुधाइजो तहरीके अदम एतमाद कामयाब थी वञे त उन खां पोइ केतिरनि ॾींहनि जे अंदरि आइनी माना घुर्जूं पूरियूं करणियूं आहिनि त उन्हनि खे क़ौमी असेंबली जो इजलास घुराए नए क़ाइदे ऐवान जो इंतिखाब करणु ज़रूरी आहे? फ़ैसिलो करिणो आहे जेको आहे सो मेंबर्स खे हाणे हुनजी ॿ इंटरप्रिटेशन कढनि था त इहो जॾहिं असेंबली जो सेशन जेको आहे सो घुराइण लाइ 14 ॾींहं घुरजनि था, हालांकि उहो असेंबली जो जेको आहे सो इजलास घुराइण त आम हालतुनि में हूंदो आहे त असेंबली इजलास घुरायो वञे, पर जॾहिं तव्हांखे रिथ जेको आहे सो महसूसु थी आहे त आइन में उनजो पर्पज़ इहो आहे छो त उनजो मुदो 7 ॾींहनि जे अंदरि इन करे रखियो वियो आहे त जीअं उनजो फौरी तौर ते जेको आहे डिसाइड करे सघे ऐं फौरी तौर ते इन करे डिसाइड करे सघे छो त मुल्क जो वॾो हूंदो आहे प्राइम मिनिस्टर ऐं उनजे ख़िलाफ़ जेकॾहिं नुक़सानु अचे थी त उनखे फौरी तौर ते आर्टिकल 95 में 7 ॾींहनि जे अंदरि फ़ैसिलो थिए। हाणे ही उनखे इंटरप्रिट इहा था कनि त पहिरियों असां इजलास घुराईंदासीं उनखे 14 ॾींहं घुरनि था, मां सम्झा थो इहो अॼु कासूर थी सघंदो आहे, बिल्कुलु कासूर थी सघंदो आहे छो त उनखे फौरी तौर ते इजलास घुराइणो आहे ऐं 7 ॾींहनि में फ़ैसिलो करिणो आहे। बैरिस्टर ज़मीर घुमरो साहब वॾी महिरबानी अवां जे वक़्तु ॾियण जी। नाज़रीन बैरिस्टर ज़मीर अहमद घुमरो साहब असां गॾु मौजूदु हुया जिथे तहरीक़ अदम एतमाद जो हिकु सियासी पहलू आहे उते इन तहरीक जो पेश करण जो हिकु क़ानूनी पहलू बि आहे। कुझु वफ़ाक़ी वज़ीर अहिड़ा बि आहिनि जेके आइन जे आर्टिकल 63 जो सहारो वठी पंहिंजे मेंबरनि खे इहो ॾिॼारण जी कोशिशि कनि पिया त जेकॾहिं उहे तहरीक़ अदम एतमाद बेतमादी वारी रिथ जे हक़ में वोट ॾींदा त उन्हनि खे डिस्क्वालीफाई कयो वेंदो। इहो डिस्क्वालीफिकेशन उन वक़्तु थी सघे थी जेकर जंहिं टाइम हू मेंबर पंहिंजो वोट कास्ट करे वठंदो। त ॿियो इहे जेके कानूनी पहलू आहिनि इहे बि हुकूमत जा नाकाम थींदे नज़र पिया अचनि। हुकूमत पारां इहो पिणु ऐलान कयो वियो आहे त हू पंहिंजे मेंबरनि खे ऐवान में वञण खां रोके छॾींदा त जीअं हू पंहिंजो वोट कास्ट न करे सघनि। पाकिस्तान जी जेका सियासी सूरत हाल आहे उहा मुंहिंजे साम्हूं आहे, ईंदड़ ॾींहुं अञा वधीक दिलचस्प थियण वारा आहिनि छो त तहरीक अदम एतमाद फाइल थी चुकी आहे ऐं सभु पार्टियूं जेके आहिनि उहे एक्टिवली हिक ॿिए सां मुलाक़ात पियूं कनि। कुझु गिव एंड टेक वारी जेका सिचुएशन आहे उहा बि जारी आहे। अॼु जे प्रोग्राम में एतिरो ई, पंहिंजे मेज़बान इशफाक अहमद खे ॾींदा इजाज़त। अलाह हाफ़िज़।